हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कुमार बिष्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपका यहाँ पर इंडियन आर्मी कलर के लिए दोस्तों सेक्शन बी का यहाँ पर इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर लाया हूँ। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हम पढ़ेंगे पैसेज को। बहुत सारे लोगों की कॉमेंट थी दोस्तों कि पैसेज के आधार पर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम यहाँ पर आपको बताएंगे दोस्तों। ये आपका 20 नंबर का आता है। आपके दो पैसेज आते हैं दोस्तों और बहुत ही आसान आते हैं। यदि आपको थोड़ा सा नॉलेज होगी दोस्तों उनकी मीनिंग निकालने की, तो आप बहुत ही आसानी से इनको प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर देखिए 100 नंबर का होता है। और दोस्तों इनके अन्य क्वेश्चनों को हम जो आपके डायरेक्ट इंडायरेक्ट वाले होते हैं या फिर प्रीपोजिशन वाले होते हैं दोस्तों या आर्टिकल वाले होते हैं, उनको हम बता चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं। आप चाहें तो दोस्तों उनको भी देख सकते हैं। और देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए इनको पहले आपको पढ़ना है आराम से और दोस्तों इनके मीनिंग को समझना है। कुछ कुछ आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा तो आप क्लियरली कर लेंगे। और दोस्तों हम शुरू करने से पहले दरख्वास्त करना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि हम लगातार आपको देते रहते हैं दोस्तों आपकी डिमांड के क्वेश्चन पेपर और दोस्तों आर्मी के सभी क्वेश्चन पेपरों को। इट इज़ अनडिज़ायरेबल दैट, यह अवांछनीय है दैट कि सम यूजफुल एनालॉजीज कैन बी ड्रॉ बिटवीन द रिलेशन सिस्टम ऑफ कंप्यूटर मैकेनिज्म एंड द रिलेशन सिस्टम ऑफ ब्रेन मैकेनिज्म। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये अवांछनीय है दैट के सम यूजफुल एनालॉजीज, कुछ यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखिए एनालॉजीज मतलब होता है आपका समरूपता या फिर आप कहें उपमा। कुछ महत्वपूर्ण उपमाएं कैन बी ड्राउन बिटवीन, दी जा सकती हैं किनके बीच में, दोनों के संबंधों के बीच में दोस्तों। यहाँ पर देखिए मानव के मस्तिष्क के तंत्र के बीच में और दोस्तों कंप्यूटर के बीच में। तो ये देखिए अब यहाँ पर क्या आगे हो क्या है यहाँ पर आपका, द कंपेरिजन डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी क्लोज रिजम्बल बिटवीन। देखिए ये निर्भर नहीं करता दोनों के बीच में, कंपेरिजन मतलब तुलना, ये निर्भर नहीं करती कि उनमें क्लोज रिजम्बल मतलब दोनों में एकदम क्लोज सादृश्यता हो या फिर आप कहें समानता हो, बिटवीन द एक्चुअल मैकेनिज्म लिंक्स, उनके वास्तविक भागों के बीच में एकदम क्लोज समानता हो, क्योंकि ये कंपैरिजन के लिए जरूरी नहीं है कहा जा रहा है यहाँ पर देखिए, क्योंकि उनके दोस्तों यहाँ पर गुणों में तुलना की जा रही है न कि उनके पार्टों में, उनके लिंकों में, भागों में दोस्तों। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। विच अकर इन ब्रेन्स एंड कंप्यूटर्स कैन बोथ बी ओरिजिनलाइज सो एज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, क्योंकि दोनों ही दोस्तों कुछ समस्याओं को एकदम सॉल्व कर सकते हैं, ओरिजिनलाइज मतलब वास्तविक रूप दे सकते हैं दोस्तों कुछ कुछ यहाँ पर प्रॉब्लमों को, समस्याओं को। द मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज वेरी सिमिलर इन बोथ केसेस। अब देखिए यहाँ पर मोड, उन्होंने कम्युनिकेशन वाला मोड लिया दोस्तों मतलब वार्तालाप वाला मोड, जो दोस्तों दोनों में ही क्या है बहुत ही सिमिलर है। सो मच सो दैट कंप्यूटर्स कैन नाउ बी डिजाइन, अब तो यहाँ तक हो गया कि कंप्यूटर यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, नाउ बी डिजाइन टू जनरेट आर्टिफिशियल ह्यूमन स्पीच एंड इवन, दोस्तों आजकल तो यहाँ पर यहाँ तक हो गया कि आर्टिफिशियल ह्यूमन, आर्टिफिशियल मतलब आपका मानव के द्वारा बनाया गया दोस्तों कृत्रिम, कृत्रिम स्पीच मतलब मानव के भाषणों को यहाँ पर जनरेट कर सकता है, बना सकता है। एंड इवन और साथ ही बाई एक्सीडेंट टू प्रोड्यूस सिक्वेंसेस ऑफ वर्ड्स विच ह्यूमन बींग रिकॉग्नाइज एंड पोएट्री। और यहाँ पर दोस्तों यदि हम वर्णों के सीक्वेंस को डाल दें तो ये यहाँ पर जो मानव यहाँ पर रिकॉग्नाइज मतलब पहचान करता है, समझता है पोएट्री कविता, तो वो भी प्रोड्यूस की जा सकती है दोस्तों। द इम्प्लीकेशन इज नॉट दैट, आशय ये नहीं है दैट कि मशीन्स आर ग्रेजुअली ह्यूमन फॉर्म्स, कि मशीनें यहाँ पर ग्रेजुअली धीरे धीरे ह्यूमन फॉर्म मतलब आदमी का रूप ले रही हैं, ये आशय नहीं है कि मशीनें ह्यूमन रूप ले रही हैं। बट देयर इज नो शार्प ब्रेक, लेकिन दोनों में बहुत ही शार्प ब्रेक मतलब बहुत ही बड़ा अंतर नहीं है ऑफ कंटिन्यूटी बिटवीन, दोनों की सतर्कता में, बिटवीन व्हाट इज ह्यूमन एंड व्हाट इज मैकेनिकल, कौन मानव है और कौन यांत्रिकी है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ों में यहाँ पर वास्तव में इन्होंने जो कहा है यहाँ पर कंप्यूटर के ब्रेन में दोस्तों, या आप कहें कंप्यूटर में दोस्तों और हमारे ब्रेन में, मानव की ह्यूमन के ब्रेन में, दोनों में तुलना की है उनके गुणों में दोस्तों, कुछ कुछ यहाँ पर उनके फंक्शनों में तुलना की है। तो दोस्तों ये यहाँ पर आपको एक पैसेज देखा आपने और इनका थोड़ा थोड़ा मीनिंग आपको आ जाएगा तो आप कर लेंगे। अब देखिए इनके आधार पर क्वेश्चन आपके किस तरह के आते हैं। देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, द सिमिलैरिटी बिटवीन द ह्यूमन ब्रेन एंड द कंप्यूटर वुड बी कैटेगराइज्ड एज। अब देखिए कौन सी वाले कैटेगराइज में यहाँ पर तुलना की गई है दोनों के ब्रेनों में। अब यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर में या इंटेलेक्चुअल में या फंक्शनल में या फिर आपका इमेजिनरी में, आपको क्लियर दिख रहा है दोस्तों, आकार में नहीं किया गया है, नहीं बुद्धिमत्ता में किया गया है, फंक्शनल में दोस्तों यहाँ पर किया गया है। आपने अभी देखा फंक्शनल में, यहाँ पर इन्होंने अभी कम्युनिकेशन मोड को लिया था जिस तरह, तो फंक्शन में केवल यहाँ पर तुलना की गई है। तो आपका क्लियर आपको पता लग गया कि आपका सी वाला होगा,
तो आपको यहाँ पर दोस्तों 4 नंबर का आपका क्लियर हो गया है। अब देखिए हम अगला देखते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर्स आर एबल टू परफॉर्म मैनी फंक्शंस सिमिलर टू दोज परफॉर्म बाई द ह्यूमन ब्रेन ओनली बिकॉज। दोस्तों यहाँ पर देखिए दोनों ही यहाँ पर सेम प्रोड्यूस करते हैं, अर्थात कुछ कुछ फंक्शनों को दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ कुछ फंक्शनों को यहाँ पर दोनों ही बराबर प्रोड्यूस करते हैं, सिमिलर एकदम समान प्रोड्यूस करते हैं। क्यों करते हैं ये आपको बताना है, क्योंकि द ब्रेन ऑफ मॉडर्न मैन इज श्रंक इन साइज। बिल्कुल गलत दोस्तों, द सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर मैकेनिज्म हैव आउटडन ह्यूमन मेंटल फैकल्टीज। यहाँ पर कहना चाह रहा दोस्तों कि मानव की बुद्धिमत्ता से बाहर यहाँ पर कंप्यूटर यांत्रिकी यहाँ पर कार्य करता है, जो आपका गलत है दोस्तों। अगला यहाँ पर देखिए, द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रामिंग एंड कम्युनिकेशंस आर सिमिलर इन बोथ केसेस। अब आपको क्लियर पता लग गया होगा, यही आपका होगा दोस्तों कम्युनिकेशन और कुछ प्रोग्रामिंग की, दोस्तों यहाँ पर दोनों में ही प्रोसेस क्या है, समान है, सिमिलर है। तो क्लियरली आपको यहाँ पर पता लग गया आपका सी वाला होगा। तो दोस्तों ये भी आपका 4 नंबर का क्लियर हो गया। अब अगला भी आप पढ़ेंगे, आप यदि आपको कन्फ्यूज है तो देखिए पढ़ लीजिए आप। यहाँ पर मॉडर्न मैन इज मोर मैकेनिकल देन ह्यूमन। देखिए अब मॉडर्न मैन जो अभी अभी का आदमी है वो मोर मैकेनिकल है ह्यूमन से, मानव से, तो ये भी बिल्कुल आपका गलत है, क्योंकि ये कहने का मतलब यहाँ पर नहीं है। आपको पैसेज के आधार पर चलना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑथर हेयर इज टू। दोस्तों यहाँ पर देखिए प्राइम ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ पर ऑथर का, कवि का, लेखक का क्या है दोस्तों, डिसाइड द डिकेडेंस ऑफ मेन्स इंटेलेक्चुअल एस्पिरेशंस। ये दोस्तों बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर मानव की इंटेलेक्चुअल यहाँ पर जो अभिलाषाएं हैं दोस्तों उनको उनका पतन हो रहा है, बिल्कुल गलत है। एग्जॉर्ट साइंटिस्ट टू इंट्रोड्यूस द मैकेनिक्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इन द कंप्यूटर। ये भी आपका गलत है, ये भी कहने का मतलब यहाँ पर नहीं था ऑथर का। हाईलाइट पॉइंट्स ऑफ डिसिमिलैरिटी बिटवीन द ह्यूमन ब्रेन एंड द कंप्यूटर। ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर दोनों के बीच में अंतर को हाईलाइट किया गया है, ये भी आपका गलत है दोस्तों। अगला यहाँ पर आपका फाइनल डी वाला आपका सही हो जाएगा, क्योंकि आपका यहाँ पर कोई भी अब अंतर नहीं रहा, लेकिन आप चाहें तो पढ़ सकते हैं दोस्तों। ड्रॉ पैरेलल बिटवीन द वर्किंग ऑफ द ह्यूमन ब्रेन एंड द कंप्यूटर, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल यही कहा गया है, दोनों के कार्यों को करने की दोस्तों समानताओं के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, 4 नंबर का आपका क्लियर हो गया। अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है, द ह्यूमन ब्रेन इज नॉट डिसिमिलर टू कंप्यूटर इन। दोस्तों यहाँ पर देखिए मानव मस्तिष्क कंप्यूटर से भिन्न नहीं है, कहाँ पर, इट्स फैकल्टी टू कंपोज पोएट्री स्पॉन्टेनियसली, इट्स स्ट्रक्चर या इट्स मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये आपका दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों इनकी बातचीत करने में, क्योंकि अभी यहाँ पर बताया गया था, देयर इज नो शार्प डिफरेंट बिटवीन द कंटिन्यूटी ऑफ कम्युनिकेशन दोस्तों। तो ये दोस्तों उनमें समानताएं थी, तो आपका ये 4 नंबर का क्लियर हो गया। अब आखिरी क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों, द ऑथर्स स्टेट्स दैट कंप्यूटर्स आर कैपेबल टू प्रोड्यूसिंग सिक्वेंस ऑफ वर्ड्स विच कैन बी रिकॉग्नाइज एज पोएट्री, ही देयर बाई इम्प्लाइज दैट। दोस्तों यहाँ पर देखिए उन्होंने कहा था कि अगर हम एक वर्ड के सिक्वेंस को भेजें तो वो एक यहाँ पर पोएट्री कविता के रूप में समझी जाएगी दोस्तों। यहाँ पर ही देयर बाई इम्प्लाइज दैट, दोस्तों ये क्या कहना चाह रहा है इसके माध्यम से, ये आपको यहाँ पर बताना है। दिस कैन नॉट रियली बी गिवन बाई द स्टेटस ऑफ ट्रू पोएट्री। बिल्कुल गलत है दोस्तों, द सिमिलैरिटी बिटवीन ट्रू पोएट्री एंड कंप्यूटर पोएट्री इज स्ट्रिकिंग। ये भी बिल्कुल गलत है दोस्तों, यहाँ पर दोनों में तुलना नहीं की गई है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू पोएट्री हैज अंडरगोज अ थरो चेंज इन मॉडर्न टाइम। दोस्तों यहाँ पर देखिए थरो का मतलब आपका होता है दोस्तों परिपूर्ण या फिर लिप्त। दोस्तों यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है यहाँ पर, द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू पोएट्री, जो वास्तविक पोएट्री दोस्तों है, कविता है, उसके रूप में हैज अंडरगोज अ थ्रो चेंज इन मॉडर्न टाइम, मतलब अभी दोस्तों यहाँ पर एक गहन चेंज आया है, परिवर्तन आया है आधुनिक समय में, या आ चुका है दोस्तों काहे में, एक कविता में, पोएट्री में। तो ये आपका यहाँ पर ये कहना चाह रहा है, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। प्रोग्राम्ड कंप्यूटर्स थ्रो डाउन अ चैलेंज टू द ह्यूमन ब्रेन, ये भी आपका बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मानव के मस्तिष्क को नीचा दिखाने की बात नहीं कही गई है। तो दोस्तों आपको क्लियर पता लग जा रहा है यहाँ पर, देखिए कौन सा वाला आपका ऑप्शन होगा। तो यही आपके 5 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इसी तरह का एक पैसेज और आएगा। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पर कितनी इजीली आपने यहाँ पर कर लिया, लेकिन दोस्तों आपको थोड़ा सा मीनिंग यहाँ पर आना चाहिए, थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पर, इसके लिए दोस्तों आप अधिक से अधिक यहाँ पर रीडिंग करें और अधिक से अधिक दोस्तों पैसेजों का यहाँ पर आप तैयार करें उनको, क्योंकि आप एक पैसेज को तैयार करते हैं दोस्तों वहाँ से जितने भी आपको मीनिंग मिलेंगे उनको आप इकट्ठा कर लें और अगला पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा ईजी लगेगा। तो बार बार करते करते दोस्तों आप धीरे धीरे यहाँ पर करने लग जाएंगे। तो ये था दोस्तों आपका पैसेज। अब हम दोस्तों यहाँ पर अगले वीडियो जो मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, नए क्वेश्चन को लेकर के दोस्तों,
ओके थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।